सबसे पहले मैं इस देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसे हम LIC ऑफ इंडिया मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने के लिए कि जिसका टाइटल है एक राह सफलता की। पहले बता देता हूँ कि ये वेबिनार किन किन लोगों के काम का हो सकता है। यदि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मेरे पास में रोजगार नहीं है और मैं रोजगार की तलाश में हूँ, मैं स्वरोजगार की तलाश में हूँ, तो ये वेबिनार आपके काम का है। यदि आप पहले से ही कहीं नौकरी कर रहे हैं लेकिन अपनी इनकम से आप संतुष्ट नहीं है, आप अपनी छोटी बड़ी इच्छाओं और सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे और आप एक अतिरिक्त आय मतलब एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की आप तलाश में है, तो ये वेबिनार आपके काम का है। यदि आप एक हाउसवाइफ है और आप समझती है कि भैया आज की डेट में हस्बैंड अकेला काम करे वो पॉसिबल नहीं है, परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आपकी कुछ पारिवारिक लिमिटेशन है, आप अपने बच्चों को और परिवार को छोड़कर के पूरे दिन की नौकरी में जा नहीं सकती, तो आपके लिए ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जहां पर आप दिन में 3 से 4 घंटा काम करके भी अपने परिवार के लिए एक मजबूत आर्थिक स्रोत पैदा कर सकती है। यदि आप एक ऐसी महिला बनना चाहती है तो ये वेबिनार आपके काम का है। ये वेबिनार उस व्यक्ति के काम का भी है कि जिसकी उम्र 58-60 साल से ज्यादा की है, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं लेकिन रिटायरमेंट के बाद में पेंशन बहुत ज्यादा आ नहीं रहा है, पर आज के इस जमाने इस सामाजिक व्यवस्था में अपने बच्चों के ऊपर बोझ बनना मुझे पसंद नहीं है, तो और मैं आज भी इतना सशक्त हूँ कि मैं मेहनत कर सकता हूँ, 2-3 घंटे दिन में काम कर सकता हूँ, तो ये वेबिनार उन 60 साल की ऊपर के उम्र के लोगों के लिए भी है कि जो वाकई में रिटायरमेंट के बाद आत्मसम्मान से भरा एक जीवन जीना चाहते और पैसा कमाना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये वेबिनार उन रिटायर्ड लोगों के लिए भी है कि जिनके पास में रिटायरमेंट के बाद में पेंशन तो है, अच्छी इनकम भी है, पैसा भी है, सब कुछ सेटल है लाइफ के अंदर, लेकिन वो मूड नहीं है कि भैया मैं पूरे दिन जो है मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर बैठूं या तो गार्डन में बुजुर्ग दोस्तों के साथ में अपना टाइम पास करूं। स्वामी विवेकानंद के उस वाक्य को फॉलो करना चाहता हूं कि जो कहता था कि प्रवृत्ति जीवन है, निवृत्ति मृत्यु है। तो पैसा भले ही है, रिटायरमेंट में पेंशन भी आ रहा है, लेकिन मैं कुछ प्रवृत्ति करना चाहता हूं और एक ऐसी प्रवृत्ति कि जो सामाजिक कार्य भी कहा जा सके, जो समाज के भी काम में आए, तो माय डियर फ्रेंड ये वेबिनार आपके काम का है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं स्टूडेंट हूं, मैं 19-20 साल का लड़का या लड़की हूं, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई का बोझ अपने माँ बाप के ऊपर डालना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं पैसा भी कमाऊं पढ़ाई के साथ साथ में, ताकि मेरे माँ बाप ने बचपन से लेकर के अभी तक मेरे पीछे जो मेहनत की है उसका मैं कुछ उनको रिटर्न दे पाऊं। तो माय डियर फ्रेंड ये वेबिनार आपके काम का है। और किन लोगों के काम का है? माय डियर फ्रेंड, ये मेहनती और महत्वाकांक्षी लोगों के काम की चीज है। मेहनती और महत्वाकांक्षी, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि इस दुनिया के अंदर 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक होते हैं जो सिर्फ मेहनती होते हैं कि वो मेहनत करना तो जानते हैं लेकिन इनकी सोच बहुत छोटी होती है, इनके पास में महत्वाकांक्षा नहीं होती। आपने बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोगों को देखा होगा कि जो पूरी जिंदगी नौकरी करते रहते हैं और दूसरों को अमीर बनाने के लिए रोज 10-10, 12-12 घंटे काम करते रहते हैं। ये 15-20-25-30 हज़ार रुपए की नौकरी करके दूसरों के अकाउंट को मेंटेन करते हैं लेकिन अपने अकाउंट में ज्यादा पैसे जुटा नहीं पाते। मेरे पास में डिग्री बड़ी है लेकिन सोच छोटी है, तो गड़बड़ यहाँ पर होती है कि मेहनत करते करते मेरी जिंदगी निकल जाएगी। और बहुत सारे लोग समझते ही है कि बड़ा आदमी बनने के लिए, अमीर बनने के लिए मेहनत करना जरूरी है। डेफिनेटली जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत हो और छोटी सोच हो तो छोटी सोच और ज्यादा मेहनत आदमी को जिंदगी काटने में तो मदद कर सकती है लेकिन जिंदगी बदलती नहीं है। ये पहली कैटेगरी के लोग होंगे। दूसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये वो लोग हैं कि जो सिर्फ महत्वाकांक्षी है, इनमें मेहनत करने की नीयत नहीं है या तो चाहत नहीं है। ये ऐसी ऐसी बातें करेंगे, दुनिया को बदलना चाहते हैं, जिंदगी बदलना चाहते हैं, स्विमिंग पूल वाला बंगलो बनाना चाहते हैं, मैं तो यूरोप घूमने जाऊंगा, ब्रांडेड कपड़े पहनूंगा, मर्सिडीज खरीदूंगा। ये ऐसी ऐसी, और वो भी ज्यादातर आपने पिछले 8-10 सालों के अंदर जो युवा पीढ़ी जो है कि जो समझते हैं कि मोबाइल के ऊपर ही अमीर बना जा सकता है, वो समझते हैं कि मोबाइल के ऊपर छोटी छोटी रील बना करके इंस्टाग्राम के ऊपर मैं लाइक्स बढ़ाता रहूंगा, अपने फॉलोअर्स बढ़ाता रहूंगा तो इंस्टाग्राम वाले भी मेरे को अमीर बना देंगे, यूट्यूब वाले भी मेरे को अमीर बना देंगे। अपने कई सारे ऐसे लड़के लड़कियों को नदी किनारे या तो समंदर किनारे या तो किसी ऐसे अलग अलग फोटोजेनिक स्पॉट के ऊपर आपने देखा होगा अपना वीडियो और फोटोग्राफ बना करके अपलोड करते हुए, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही फोटो खींच खींच करके मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम से पैसे कमा करके अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। इनके पास में महत्वाकांक्षा बहुत है लेकिन
लेकिन मेहनत करने की योग्यता या तो मेहनत करने की नियत नहीं है। और इनके जीवन में होता यह है कि ये जीवन के अंत में फ्रस्ट्रेशन से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सोच बहुत जबरदस्त बड़ी थी, मैं ये करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ, लेकिन ना इनके पास में कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, ना ये मेहनत करने में विश्वास करते हैं। जो मेहनती है वो जिंदगी काट तो लेते हैं लेकिन बदल नहीं पाते, और जो सिर्फ महत्वाकांक्षी है वो जिंदगी बड़ी बनाना चाहते हैं लेकिन मेहनत ना करने की वजह से इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये दो कैटेगरी के लोग हुए। और तीसरी कैटेगरी माय डियर फ्रेंड्स जो है वो है, ये ऐसे लोग हैं कि जो मेहनती भी है और महत्वाकांक्षी भी है। इनके पास में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी, बहुत बड़ी सोच थी, इनके पास में एक सपना था, ये जिंदगी में कुछ करना चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझते थे कि भाई कर्म तो करना ही पड़ेगा। ये मानते थे इस बात को कि अगर मैं ऐसे भारत जैसे देश में पैदा हुआ हूं कि जिस देश ने दुनिया को कर्म का सिद्धांत गिफ्ट में दिया हो, जिस देश ने दुनिया को ये समझाया हो कि वर्क इज वर्शिप, काम ही सबसे बड़ी पूजा है और कर्म किए बगैर कुछ नहीं मिलेगा, जिस देश के शास्त्रों में ये लिखा गया हो कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत नाही, जो ये समझता है कि भैया कर्म किए बगैर मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो सोच बड़ी होने से नहीं चलेगा, मुझे बड़ी सोच के साथ में कठोर परिश्रम भी करना पड़ेगा। ये वो लोग है जो अपनी जिंदगी बदलने के लिए उपवास नहीं करते, ये वो लोग है कि जो जिंदगी बदलने के लिए अंगूठियां नहीं पहनते, ये वो लोग है कि जो जिंदगी बदलने के लिए धागे नहीं बांधते, ये वो लोग है कि जो अंधविश्वास और अंधश्रद्धा में घुसते नहीं है, ये मानते हैं कि भी कर्म किए बगैर बड़ी सोच कभी पूरी नहीं हो सकती। तो ये वो लोग है कि जिनके पास में बड़ी सोच भी है और कठोर परिश्रम करने की नियत भी है। बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है, छोटी सोच का कोई जादू नहीं होता। इस दुनिया के अंदर बड़ा आदमी बनने के लिए शुरुआत जो होती है वो बड़ी सोच से होती है और उसके बाद में आता है कठोर परिश्रम। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि लोगों की जिंदगी, बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि जो मिडिल क्लास में पैदा होते हैं, मिडिल क्लास में जीते और मिडिल क्लास में खत्म हो जाते हैं, या तो गरीबी में पैदा होते हैं, गरीबी में जीते और गरीबी में खत्म हो जाते हैं। आप यकीन माने कि ये नहीं है कि उनके अंदर योग्यता की कमी है, ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी है, सबसे बड़ी जो कमी है उनके अंदर वो है सोच की कमी। इनका विचार बहुत छोटा रहता है और इसमें गलती इनकी भी नहीं होती कि बचपन से उनको दादाजी भी बोलते थे, पिताजी भी बोलते थे कि बेटा अपन मध्यम वर्गीय लोग हैं, बड़ा सोचना नहीं है, पढ़ो लिखो, डिग्री बड़ी लो और एक छोटी सी नौकरी ले लो, डिग्री बड़ी लो और एक छोटी सी नौकरी ले लो। पढ़ाया ही इसीलिए जा रहा है कि भैया तुम्हें पढ़ लिख करके एक नौकरी करनी है, एक ऐसा तरीका बना करके रखा हुआ है कि 20 साल तक पढ़ाई करो, 20 साल में ग्रेजुएट करने के बाद में किसी कंप्यूटर वाले के पास में अपना बायोडेटा बनाओ और बायोडेटा बनाने के बाद में नौकरी के बाजार में अपने आपको बेचने के लिए जाओ, निकलो, कंपनियां तुम्हारी बोली लगाएगी, कोई बोलेगा हम तुमको महीने का 10,000 देंगे, कोई बोलेगा हम तुमको 12,000 देंगे, कोई अपने को 15,000 देगा, कोई अपने को 20,000 देगा, अपने आप को बेचो और जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसके वहां पर तुम काम करना चालू करो, रोज 10-12 घंटा टिफिन लेकर के वहां पर जाओ, काम करो, उसकी जिंदगी बदल जाएगी, तुम अपनी जिंदगी काट पाओगे, उसके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे जो है नॉर्मल स्कूल में पढ़ेंगे। ये बचपन से हमें जो बताया जाता है, जो हमारे जहन में खून के कतरे कतरे में घुसा दिया जाता है, इसी वजह से माय डियर फ्रेंड्स आप सोच करके देखिए कि दादाजी को भी नौकरी ढूंढने में तकलीफ पड़ी थी, मुश्किल से नौकरी मिली, मुश्किल से जिंदगी कटी, इसके बावजूद भी दादाजी ने हमारे पिताजी की खोपड़ी में यही डाला कि तुम्हें नौकरी ढूंढनी और नौकरी करनी है, पिताजी को भी नौकरी ढूंढने में तकलीफ हुई, मुश्किल से मिली, मुश्किल से जिंदगी कटी, इसके बावजूद भी पिताजी हमारी खोपड़ी में भी वही डाल रहे हैं कि तुम्हें भी पढ़ लिख करके नौकरी ढूंढनी है। और ये जो परंपरा चली आ रही है, इसी परंपरा की वजह से इस देश के अंदर जनसंख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जिस देश की सोच छोटी हो वो देश कभी फाइनेंशियली तरक्की नहीं कर सकता। तो बड़ी सोच होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। माय डियर फ्रेंड, ये जो चार्ट आपको नजर आ रहा है इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि दुनिया के अंदर चार कैटेगरी के लोग होते हैं। ESBI, ई यानी कि एम्प्लॉई, एस यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड, बी यानी कि बिजनेस ओनर, आई यानी कि इन्वेस्टर, और ये 95 और 5 इसको अपने खोपड़ी में एकदम फिट कर दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने दिमाग के अंदर, क्योंकि मैं इसको बंद करके फिर आपके सामने रूबरू होकर के बात करूंगा। माय डियर फ्रेंड, ये जो चार्ट आपने देखा इसे कहा जाता है 4 क्वाड्रेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट ये कह रहा है कि भाई धर्म और जाति के हिसाब से तो देश और दुनिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग लोग हैं और हमारे देश में तो उसकी कोई कमी ही नहीं है, लेकिन अगर फाइनेंशियल जाति, फाइनेंशियल कास्टिज्म की बात की जाए तो आर्थिक जातियों के हिसाब से इस दुनिया के अंदर सिर्फ 4 प्रकार के लोग हैं। एक है ई कैटेगरी के लोग। ई कैटेगरी के लोग मतलब एम्प्लॉई कैटेगरी के लोग, ये वो लोग हैं कि जो 19, 20, 21 साल तक पढ़ाई लिखाई करते हैं, बाद में नौकरी करने की शुरुआत करते हैं, 58-60 साल तक काम करते हैं और बाद में
अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है एस कैटेगरी के लोग। एस कैटेगरी मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। यदि मैं एक डॉक्टर हूं और मैंने अपना छोटा सा डिस्पेंसरी डाल दिया, मैंने पान का खोखा खोल दिया, मैंने चाय की किट्टी खोल दी, मैं किराने की दुकान चल रहा हूं, मैं कोई प्रोविजन स्टोर चला रहा हूं, जनरल स्टोर चला रहा हूं, कपड़े की दुकान चला रहा हूं, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं। इनके पास में ई कैटेगरी वाले लोगों से ज्यादा पैसे होते हैं, लेकिन इनके पास में भी समस्या ये है कि इनको भी जब तक जीना है तब तक काम करना ही पड़ेगा। चाहे मैं डॉक्टर क्यों नहीं हूं, मैं 75 साल तक का हो जाऊंगा तब भी मेरे को ऑपरेशन वगैरह करना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछले समय में मैंने जो ऑपरेशन किए थे उसका पैसा अभी मेरे को नहीं आने वाला। इनके पास में भी रिटायरमेंट का कोई कार्यक्रम नहीं होता, इनके पास में भी ऐसा कोई पैसा नहीं आता कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पहले जो काम किया था उस काम का उनको पैसा लगातार आता रहे। ये ई और एस कैटेगरी को मिलाकर के माय डियर फ्रेंड हमारे समाज में 95% लोग हैं जिन्हें हम मध्यम वर्गीय कहते हैं, या तो अपर मिडिल क्लास कहते हैं या तो लोअर मिडिल क्लास कहते हैं। तीसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है बी कैटेगरी, जिसे कहते हैं बिजनेस ओनर। ये वो लोग हैं कि जो बड़े बड़े कारोबार करते हैं, ये वो लोग हैं कि जो ई कैटेगरी के लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं, ये वो लोग हैं कि जो देश में रोजगार पैदा करते हैं, ये कम समय में ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। और जो चौथी कैटेगरी है आई कैटेगरी, आई कैटेगरी का मतलब है इन्वेस्टर कैटेगरी। पहले बी कैटेगरी में हुआ करते थे, लेकिन उस कैटेगरी में कम समय में ज्यादा पैसे कमा ले इन्होंने, और कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की वजह से क्या हुआ, इनके पास में अपनी जरूरत से अतिरिक्त बहुत ज्यादा पैसे होने की वजह से ये बन जाते इन्वेस्टर। अब ये पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, इनका निवेश किया हुआ पैसा पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने और आपने, हम सभी लोगों ने एक कहावत कई बार सुनी हुई है कि जिंदगी में 1 करोड़ रुपए कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 1 करोड़ का 10 करोड़ और 10 करोड़ का 100 करोड़ और 100 करोड़ का 1000 करोड़ करना बहुत आसान है। लेकिन ये 95% लोग जो है वो काम ही ऐसा करते हैं कि जिंदगी में वो 1 करोड़ तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। जरूरतों को कंप्लीट करने में इनकी वारंटी खत्म हो जाती है, इच्छाओं और सपनों के लिए काम ही नहीं कर सकते, ये पैसा निवेश ही नहीं कर पाते। माय डियर फ्रेंड्स, बी और आई कैटेगरी को मिलाकर के मात्र 5% लोग है हमारे समाज के। यदि 100% लोग है तो 100 में से 95% मध्यम वर्गीय लोग है, और 5% वो लोग है कि जिन्हें हम रिच कहते हैं, अमीर कहते हैं, धनवान कहते हैं, पैसे वाले कहते हैं, मालदार कहते हैं। अब इन दोनों में एक फर्क जो समझना है वो क्या समझना मालूम है कि इस 5% कैटेगरी के अगर कुछ एग्जाम्पल ले तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ध्रुव अंबानी का, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हेनरी फोर्ड का, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जापान से साइकिरो होंडा, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अजीम प्रेमजी का, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जेआरडी टाटा का, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं नरेंद्र मोदी का, अरविंद केजरीवाल का, ममता बनर्जी का, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सचिन तेंदुलकर का, अमिताभ बच्चन का। ये सारे के सारे वो लोग है कि जो किसी साधारण परिवार में पैदा हुए, लेकिन आज ये असाधारण जिंदगी जी रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी मालूम है कि अपने पिछली वाली पीढ़ी को, पिछली वाली जनरेशन को उन्होंने देखा, जो वो कर रहे थे अगर वही मैं करूंगा, जैसे वो कर रहे थे वैसे ही मैं करूंगा, तो जो उनको मिला था वही मेरे को मिलने वाला है। तय किया कि भाई सबसे पहले तो मुझे छोटा सोचना नहीं है। 95% की कैटेगरी जो है जिसे मध्यम वर्गीय समाज कहते हैं, उसमें अपने बच्चों को यह बताया जाता है कि बेटा बड़ी डिग्री वो भी तो तेरी जिंदगी बदलेगी। लेकिन इस कैटेगरी में यदि आप देखेंगे तो भी ध्रुव अंबानी 10वीं पढ़े लिखे थे, हेनरी फोर्ड 6ठी पढ़ा लिखा आदमी था जिसने फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना करी, साइकिरो होंडा जिसने होंडा मोटर कंपनी की स्थापना करी 4थी पढ़ा लिखा था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाने वाला ही इज नॉट अ कंप्यूटर इंजीनियर। लेकिन अपने देश में किसी भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने वाले लड़के लड़की को बोलोगे कि बेटा क्या सपना है तुम्हारा, तो बोलेगा मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी मिल जाए। माइक्रोसॉफ्ट बनाने वाला कंप्यूटर इंजीनियर नहीं है। मैं पढ़ाई लिखाई का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो झूठ हमें बचपन से बताया जाता है कि बेटा बड़ी डिग्री से ही तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, वो वाकई में झूठ है। इतिहास के पन्ने हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारे पास में बड़ी डिग्री होगी कि नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन सोच का बड़ा होना बहुत आवश्यक है। जबकि 95% में गड़बड़ क्या होती है कि बड़ी डिग्री पे तो फोकस किया जाता है लेकिन बड़ी सोच के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। और अगर बड़ी सोच भी और बड़ी डिग्री हो तब तो माशाल्लाह आदमी की जिंदगी बदलने से कोई रोक ही नहीं पाता। टू टाइप्स ऑफ प्रोफेशन, एक प्रोफेशन होता है जिसे मैं कहता हूँ इंडोर प्रोफेशन, और दूसरा जो प्रोफेशन होता है जिसे मैं कहता हूँ आउटडोर प्रोफेशन। इंडोर प्रोफेशन और आउटडोर प्रोफेशन, माय डियर फ्रेंड, ये 95% लोग जो होते हैं ना, ये हमेशा ऐसे काम की तलाश में रहते हैं कि जिस काम में उनको 4 दीवार के बीच में रहने का मौका मिले। मतलब कि मैं अकाउंटेंट बनना पसंद करता हूं क्योंकि उसमें मुझे बाहर घूमना नहीं है, मुझे एक एसी वाली ऑफिस मिल जाएगी, एक चेयर मिल जाएगी, कंप्यूटर मिल जाएगा और मुझे बैठे बैठे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंटेन करना। मैं एचआर बनना, एचआर मैनेजर बनना पसंद करता हूं, या तो एचआर असिस्टेंट बनना पसंद करता हूं, मैं प्रोडक्शन इंजीनियर बनना पसंद करता हूं, मैं परचेज में काम करना चाहता हूं, मैं टीचर बनना चाहता हूं, क्योंकि ये सारे के सारे काम ऐसे हैं कि जिसमें मुझे बाहर घूमना नहीं है, 4 दीवार के अंदर मैं काम कर पाऊंगा। माय डियर फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था, वो हमेशा एक बात बोलता था,
कि चार दीवार के अंदर काम करने वाला आदमी भी होता तो शेर ही है, लेकिन उसकी हालत पिंजरे के शेर की तरह होती है। पिंजरे के शेर की परिस्थिति ऐसी रहती है कि पिंजरे का मालिक जितना खाना देगा वो उतना ही खा पाएगा। अगर वो मांस का टुकड़ा इतना देगा तो उतना खाना है, इतना देगा तो उतना खाना है। तू भले कहने को शेर है, लेकिन तेरी जिंदगी के बारे में तय मैं करूं, पिंजरे का मालिक तय करता है। ये चार दीवार के अंदर जो काम करते हैं उसमें वो परिस्थिति होती है। और दूसरा जो प्रोफेशन होता है वो प्रोफेशन होता है आउटडोर प्रोफेशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोफेशन। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इसे कहता हूं द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोफेशन ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दैट इज सेल्स, माय डियर फ्रेंड, सेल्स, बेचने का प्रोफेशन, चार दीवार के बाहर का प्रोफेशन। और चार दीवार के बाहर का प्रोफेशन जो है इसमें काम करने वाला आदमी जंगल का शेर होता है। एवरीथिंग हैज टू बी डिसाइडेड बाय मी ओनली, नोबडी इज माय बॉस। मैं कोई पिंजरे का शेर नहीं हूं जो तुम तय करोगे, मैं तय करूंगा। ये सेल्स की दुनिया होती है जहां पर आदमी खुद तय करता है कि मुझे इस महीने कितना कमाना है। अगर मैं नौकरी कर रहा हूं और अगले साल मेरी बहन की शादी है तो मैं नौकरी में यह तय नहीं कर सकता हूं कि इस साल तो मेरी तनख्वाह 3 लाख रुपए और अगले साल शादी है तो इस साल में मैं 6 लाख रुपए की तनख्वाह ले लूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर मैं सेल्स प्रोफेशन में काम कर रहा हूं तो दैट इज पॉसिबल इन सेल्स, कि यदि मैं इस महीने मेरी इनकम इस महीने 50,000 रुपए हुई और 3 महीने के बाद में मेरी बहन की शादी के लिए मेरे को 5 लाख रुपए भी चाहिए तो इट इज पॉसिबल कि मैं अगले 3 महीने में 5 लाख रुपए कमा लूंगा, बिकॉज नोबडी इज हियर टू स्टॉप मी, कोई मेरे को रोकने वाला है नहीं। मैं तय करता हूं कि मेरे को जिंदगी में कितना कमाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कितना काम करना है। ऐसा एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी LIC ऑफ इंडिया को लेकर के आई है जिसे कहा जाता है इंश्योरेंस एडवाइजर। आप फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों ही प्रकार के इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकते हैं। यदि मैं पहली बार आपकी जगह पर अगर मैं भी हूं और मैं इस प्रोग्राम को पहली बार अटेंड कर रहा हूं तो मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगा कि भाई इंश्योरेंस एडवाइजर इस व्यवसाय की सुंदरता क्या है और मुझे इसमें शामिल क्यों होना चाहिए। मैं अगर 8 घंटे की नौकरी कर रहा हूं तो मुझे क्यों रोज के 2-4 घंटे LIC के इस प्रोफेशन में देने चाहिए, क्यों मुझे इंश्योरेंस एडवाइजर का काम 2-3 घंटा रोज का करना चाहिए। मैं उस विषय के बारे में सबसे पहले बात करना चाहता हूं। जनरली जब भी आप कोई नया काम करने की शुरुआत करते हैं या करना चाहते हैं तो आपके सामने 2 सवाल आते हैं कि व्हाई एंड हाउ, मैं इस काम को क्यों करूं और दूसरा मैं इस काम को कैसे करूं। मेरा हमेशा से ये मानना है कि अगर व्हाई मेरा बड़ा होगा, मतलब कि क्यों करना है मेरी सोच बड़ी होगी, तो कैसे करना है उसके तो रास्ते निकल ही जाएंगे। क्यों इंश्योरेंस एडवाइजर बनना चाहिए मैं उस विषय पे पहले बात करूंगा, और क्यों यदि आपकी ये समझ में आ गया तो कैसे करना है उसकी चिंता ना करें, क्योंकि कोई भी आदमी माँ की कोख से सीख करके कुछ नहीं आया था। जिसकी मंजिलें फिक्स होती है ना, रास्ते अपने आप निकल ही आते हैं। इसी बात के साथ शुरू करते हैं, इस विषय के बारे में जानने की शुरुआत करते हैं कि मुझे इंश्योरेंस एडवाइजर क्यों बनना चाहिए। भले मेरे पास में नौकरी है कि नहीं है, मैं रिटायरमेंट ले चुका हूं, मैं एक हाउसवाइफ हूं, मैं वर्किंग वुमन हूं, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूं, फिर भी मुझे क्यों इंश्योरेंस एडवाइजर बनना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसकी सबसे पहली वजह यह है कि इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसका मार्केट पोटेंशियल 100% है। मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्यों, मतलब सेल्स प्रोफेशन में आना चाहिए, तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह मैं हमेशा बोलता हूं कि इसका मार्केट पोटेंशियल 100% है। हर प्रोडक्ट का अपना एक लिमिटेड मार्केट होता है, मतलब एजुकेशन नाम का एक प्रोडक्ट है तो एजुकेशन का एक लिमिटेड मार्केट पोटेंशियल है कि जो बच्चे हैं वो एजुकेशन इंडस्ट्री के काम के है, जो पढ़ लिख चुके हैं वो एजुकेशन इंडस्ट्री के किसी काम के नहीं है। अगर मैं हॉस्पिटल खोलता हूं तो बीमार मेरे काम के है, जो बीमार नहीं वो मेरे किसी काम के नहीं है। मैं वकील बन के अपना काला कोट पहन करके कोर्ट के बाहर बैठ जाता हूं तो जिनकी जिंदगी में लफड़े फंसे हैं वो मेरे काम के, जिनकी जिंदगी में कोई लफड़ा नहीं फंसा वो मेरे किसी काम के नहीं है। मैं साड़ियों की दुकान करता हूं तो मेरे लिए मर्द बेकार हो जाते हैं और मर्दों के कपड़ों की दुकान करता हूं तो औरतें बेकार हो जाती है। चश्मे की दुकान करता हूं तो बिना चश्मे वाले बेकार हो जाते हैं। तो हर प्रोडक्ट का अपना एक लिमिटेड मार्केट पोटेंशियल है, लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड्स कि जिसका 100% मार्केट पोटेंशियल है। 100% मार्केट पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि मैं घर से बाहर निकलूं तो मुझे ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि जो पहला आदमी मेरे को मिला वो मेरे काम का है कि नहीं है। वो पहला व्यक्ति जो मिला वो 90 दिन का बच्चा क्यों नहीं है या 90 साल का बुजुर्ग क्यों नहीं है, वो सरकारी नौकरी करने वाला आदमी क्यों नहीं है या प्राइवेट वाला क्यों नहीं है, वो महिला क्यों नहीं है या पुरुष क्यों नहीं है। चाहे कुछ भी होगा, धंधा कर रहा है कि नौकरी कर रहा है, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, पुरुष है कि महिला है, बच्चा है कि बुजुर्ग है, नौजवान है कि प्रौढ़ है, हर व्यक्ति जो मुझे पहला मिलेगा वो मेरे काम का, मुझे ढूंढना नहीं पड़ता कि भैया ये मेरे काम का है कि नहीं है। LIC ऑफ इंडिया को भारत में 65 साल हुए, लेकिन इंश्योरेंस इंडस्ट्री को दुनिया में 250 साल से ज्यादा का समय हुआ। आपको जानकर के ताजुब होगा, आपने अपने जीवन के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट को खोलते हुए और बंद होते हुए देखा होगा, बहुत सारी कपड़ों की मिलों को खुलते हुए और बंद होते हुए देखा होगा, बहुत सारी कंपनियों को खुलते और बंद होते हुए देखा होगा, लेकिन 250 साल का इतिहास ये कहता है
कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो एक बार शुरू हुई है वो कभी भी बंद नहीं हुई है माय डियर फ्रेंड्स। इट इज द ओनली इंडस्ट्री विथ 100% सक्सेस रेशियो। कोई भी कंपनी आज तक बंद नहीं हुई। रीजन क्या है? क्योंकि इस इंडस्ट्री का मार्केट पोटेंशियल 100% है। ये जो प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस नाम का जो प्रोडक्ट है, ये इंसानी अस्तित्व के साथ में, मेरे को एक बार किसी ने मजाक में किसी सेमिनार में पूछा था कि सर अकॉर्डिंग टू यू इंश्योरेंस कंपनियां कब तक चलती रहेगी, तो मैंने उसको सामने एक सवाल किया कि अकॉर्डिंग टू यू कब ऐसा होगा कि लोग बच्चे पैदा करना बंद कर देंगे? तो बोले सर ये तो संभव ही नहीं है, मानव का अस्तित्व तो सदियों तक बना रहेगा। तो बोला जब तक इस देश और दुनिया में बच्चे पैदा होते रहेंगे तब तक इंश्योरेंस कंपनियां चलती रहेगी, क्योंकि इंसान के अस्तित्व के साथ में जुड़ा हुआ यह प्रोडक्ट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि आप एक ऐसे प्रोडक्ट की तलाश में हैं, एक ऐसे प्रोफेशन में आना चाहते हैं कि जिस प्रोफेशन में आपको अपने प्रोस्पेक्ट और कस्टमर को ढूंढना ना पड़े, आप घर से बाहर निकलो और पूरी दुनिया आपके प्रोस्पेक्ट के लिए, आपके धंधे के लिए काम में आए, वेलकम टू LIC। आपको इस प्रोफेशन में बी एन इंश्योरेंस एडवाइजर विथ LIC ऑफ इंडिया इंश्योरेंस एडवाइजर बनिए, और इस देश की सबसे बड़ी कंपनी के साथ में आपको इंश्योरेंस एडवाइजर बनना चाहिए, क्योंकि ये देता है आपको 100% मार्केट पोटेंशियल। दूसरी वजह यह है कि आई वॉन्ट टू हैव अनलिमिटेड इनकम। मैं हमेशा कुछ कठोर शब्दों में एक बात बोलता हूं कि मध्यम वर्गीय आदमी मध्यम वर्ग में पैदा होता है, जीता है और खत्म हो जाता है। उसके सबसे बड़ी वजह क्या है मालूम है? कि उसको जीनी है अनलिमिटेड लाइफ। उसको पसंद नहीं आता, उसको यह पसंद नहीं आता कि मेरे बेटे को पढ़ाने के टाइम पे मुझे स्कूल की क्वालिटी के बारे में जानने से पहले स्कूल की फीस के बारे में पता करना पड़े। मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाऊं तो लेफ्ट साइड की जगह मेरे को राइट साइड देखना पड़े कि भी कौन सी सब्जी का क्या रेट है। मुझे पसंद नहीं आता कि मेरी घूमने की जगह फिक्स हो कि मैं इतनी जगहों पे घूम सकता हूं, इससे ज्यादा कि मेरी औकात और हैसियत नहीं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आई वॉन्ट टू लिव एन अनलिमिटेड लाइफ। मैं चाहता हूं कि जीवन असीमित होना चाहिए, लेकिन गड़बड़ क्या है? मेरी इच्छा तो है असीमित जीवन जीने की, लेकिन मैं काम करता हूं सीमित आय वाला, लिमिटेड इनकम वाला। लिमिटेड इनकम के साथ में आई कैन नेवर हैव अनलिमिटेड लाइफ, माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड। तो LIC ऑफ इंडिया का ये जो इंश्योरेंस एडवाइजर वाला प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन देता है आपको अनलिमिटेड इनकम। आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि आप लिमिटेड जिंदगी से, सीमित जिंदगी से परेशान है, आप सीमित जिंदगी जीना नहीं चाहते, असीमित जीवन जीना चाहते हैं, तो मैं आह्वान करता हूं कि आपको LIC ऑफ इंडिया के साथ में इंश्योरेंस एडवाइजर बनना ही चाहिए। ये बिजनेस जो है, ये प्रोफेशन जो है, ये मुझे पैसिव इनकम देता है। पैसिव इनकम मैं आपको समझाता हूं कि होता क्या है। दुनिया में दो प्रकार के काम होते हैं। एक काम ऐसा होता है कि जिसमें एक बार के काम का एक बार पैसा आता है, जैसे मिसाल के तौर पर नौकरी। मैंने एक महीना नौकरी करी तो एक महीने की तनख्वाह मिलेगी। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन कि कोई कंपनी मेरे को ये बोलेगी कि आनंद भाई आपने 10 साल के लिए हमारी कंपनी में नौकरी कर ली, अब आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, 10 साल जो आपने मेहनत करी है अगले 20 साल तक आपको तनख्वाह आती रहेगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं डॉक्टर हूं, मैंने 25 साल तक ऑपरेशन किए तो 25 साल तक पैसा आएगा, 25 साल तक जो ऑपरेशन किए उसका पैसा मेरे को अगले 25 साल तक नहीं आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, इसे कहते हैं एक बार के काम का एक बार पैसा। देन व्हाट इज पैसिव इनकम? पैसिव इनकम का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स एक बार के काम का बार बार पैसा, जिसे हम दूसरे शब्दों में रॉयल्टी इनकम कहते हैं या तो रेसिडुअल इनकम कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग जैसे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, उनके पास में पैसा बहुत है, महीने का करोड़ 2 करोड़ कमा रहे, लेकिन उनके आपने एक कंप्लेन सुनी होगी कि यार जिंदगी में टाइम नहीं मिलता, पैसा बहुत है लेकिन समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक्टिव इनकम में काम करते हैं, उनके पास में पैसिव इनकम का ऑप्शन नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, LIC ऑफ इंडिया का ये जो प्रोफेशन है इंश्योरेंस एडवाइजर, ये आपको पैसिव इनकम देता है। अगर मैं पूरी जिंदगी इंश्योरेंस में काम नहीं करना चाहता, मेरा एक सपना है, मान लो कि हमारे बीच में कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसकी उम्र 35 साल की है या 30 साल की है, वो ऐसी सोच वाला इंसान है कि पूरी जिंदगी काम नहीं करना। पापा करते थे क्योंकि पापा को मालूम नहीं था कि सिंगापुर जैसा कोई देश है, दुबई जैसा कोई देश है, यूरोप घूमने जाना चाहिए, दुनिया में और भी कुछ करना चाहिए, सामाजिक सेवा करनी चाहिए, लेकिन मैं करना चाहता हूं। तो मैं एक ऐसी सोच वाला आदमी हूं कि मैं 10 साल काम करूंगा और 10 साल के बाद काम ना करूं फिर भी मेरे को पैसा आना चाहिए। वेलकम टू LIC बॉस। LIC आपको इंश्योरेंस एडवाइजर बनने का ये जो मौका दे रही है उसमें ये संभव है। कैसे संभव है? कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपके सामने रखे हुए हैं कि इसमें पैसिव इनकम आती कैसे है। एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं कि ये जो पैसिव इनकम वाली आपको कॉलम नजर आ रही है उसमें कैलकुलेशन जो मैंने किया है वो 5% के हिसाब से किया है। हालांकि LIC ऑफ इंडिया इससे भी ज्यादा देती है, क्योंकि ये सरल हो जाए इसके लिए मैंने 5% के हिसाब से कैलकुलेशन किया है कि आपके किए हुए काम का 5% आपको जिंदगी पर आता रहता है। हालांकि
दूसरे और तीसरे साल जो काम आपने किया था तो अगले साल और उसके बाद वाले साल में 5% नहीं 7.5% के हिसाब से इनकम आती है। लेकिन ये सिर्फ समझने में सरल रहे इसके लिए, माय डियर फ्रेंड्स समझिए कि मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर बना, मुझे मालूम है कि LIC काम क्या करती है। LIC लोगों को बीमा देने का काम करती है, इंश्योरेंस देने का काम करती है। अब इंश्योरेंस की आवश्यकता क्या है? इंश्योरेंस की आवश्यकता है कि भविष्य में मेरी मौजूदगी या मेरी गैर मौजूदगी में मेरे परिवार की जितनी भी जरूरतें हैं, जैसे कि अगर आप में से कोई व्यक्ति 30 साल का है जिसके घर में 2 साल की बेटी है, तो भाई आपको 15 साल के बाद जब वो 17 की हो जाएगी तो उसको पढ़ाने लिखाने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बनाने के लिए आपको 10-15-20 लाख रुपए चाहिए होंगे। तो ये व्यवस्था LIC के इंश्योरेंस के माध्यम से की जा सकती है। मैं ऐसी नौकरी कर रहा हूं कि मेरे को पेंशन नहीं आ रहा है, तो पेंशन की व्यवस्था की जा सकती है। मेरा काम यह रहेगा कि मैं LIC के प्रोडक्ट के बारे में, LIC के अलग अलग बीमा पॉलिसी के बारे में लोगों के घर में जाकर के बात करूंगा और उनको समझाऊंगा कि तुम अपने बच्चों की एजुकेशन अच्छी कराना चाहते हो, उनकी अच्छे से शादी कराना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी रिटायरमेंट के बाद में तुम्हें अपने बच्चों के ऊपर बोझ ना बनना पड़े, तुम्हारा आत्मसम्मान खत्म ना हो जाए, तो ये प्रोडक्ट है। ऐसा अभी पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। जब मैं उनको पॉलिसी दूंगा तो वो मुझे क्या देंगे? प्रीमियम देंगे। LIC जो मेरे को इंसेंटिव देती है, जो पैसा देती है, वो प्रीमियम के ऊपर देगी। तो मान लीजिए ये जो फिगर मैंने लिखे है ना, ये मैंने मिनिमम वाले लिखे है। ये एक ऐसा आदमी की जिसको इंश्योरेंस का आई मालूम नहीं था, एक ऐसा आदमी की जिसने सेल्स में कभी भी काम नहीं किया, ऐसा आदमी भी पहले ही साल में 10 लाख रुपए की प्रीमियम तो खेलते खेलते कर लेता। मैंने पहले साल में बहुत ज्यादा नहीं, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की प्रीमियम नहीं, मैंने पहले साल में मात्र 10 लाख रुपए की प्रीमियम करी। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले साल में LIC जो मेरे को इनकम देती है वो देती है 35%। मैं जितना LIC में प्रीमियम लेकर के आया उसका 35% पहले साल वाले प्रीमियम में से मेरे को मिला। तो कितना पैसा आया मेरे को? 3.5 लाख रुपए। अब ये मेरा पहला साल है, तो पहले साल में पैसिव इनकम नहीं आएगी, तो टोटल मेरी इनकम कितनी हो गई? 3.5 लाख रुपए। मैं नौकरी तो कर ही रहा हूं, मेरी 20-25-30 हजार रुपए की नौकरी है, लेकिन इसके अलावा पार्ट टाइम जो मैं काम कर रहा हूँ LIC में रोज का 1-2 घंटा, उसका भी मेरे को अगर मैं एवरेज निकालू तो कम से कम मैंने मिनिमम वाला काम किया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, तो भी मेरे को पहले साल में जो एवरेज इनकम बना वो 29,000 के आसपास का बना। मतलब 20-30 हजार रुपए मेरी नौकरी से आ रहा है और 30,000 रुपए के आसपास LIC से आ रहा है, तो माय डियर फ्रेंड्स मेरी जिंदगी में बदलाव आने की शुरुआत होगी कि नहीं होगी? तो डेफिनेटली होने वाली है। अब दूसरे साल क्या होगा? दूसरे साल भी मैंने कोई बहुत बड़ा जंप नहीं मारा कि मैंने डबल ट्रिपल काम कर दिया, मैं सिर्फ 30% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा हूं। तो दूसरे साल मैंने नया जो बिजनेस किया, नया काम किया, उसमें मैं 13 लाख रुपए की प्रीमियम लेकर के आया, तो 13 लाख रुपए का 35% अगर मैं काम का अकाउंट करता हूं तो वो हो जाता है 4,55,000 रुपए। तो इस साल जो मैंने काम किया उसका कितना मिला मेरे को? 4,55,000 रुपए। लेकिन पिछले साल जो मैंने काम किया था, क्या काम किया था? मैं 10 लाख रुपए की प्रीमियम लाया था, तो पिछले साल जो 10 लाख रुपए की प्रीमियम लाया था उसका हालांकि 7.5 आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर 5% के हिसाब से काउंट किया है, तो उसका 50,000 रुपया अलग से आएगा मेरे को। माइडिया में वो तो मैं ला चुका हूं, लेकिन उसका भी 5% मेरे को मिलेगा, तो 4,55,000 प्लस 50,000 रुपए अगर मैं जोड़ू तो ये हो जाते हैं 5,05,000 रुपए, और इसको यदि 12 से डिवाइड करूं तो हुए 42,000 रुपए। माय डियर फ्रेंड, पिछले साल का जो मेरा एवरेज बना था वो बना था 30,000 के आसपास, और इस साल का जो मेरा एवरेज बना वो बना 42,000 के आसपास। अब मैंने फिर से 30% की ग्रोथ करी, कि 30% की ग्रोथ के साथ में मेरे पहले साल का काम का जो पैसा आया वो आया 5,91,000 रुपए, पिछले 2 साल में मैंने जो काम किया 10 लाख और 13 लाख रुपए का, तो 23 लाख का 5% हो गया 1,15,000 रुपए, दोनों को मिलाकर के 7,06,500 रुपए एवरेज बन गया 58,60,000 रुपए। माय डियर फ्रेंड्स, हर साल में 30% की ग्रोथ से बढ़ रहा हूं, मात्र 30% की, जो बहुत आसान है, ठीक है? यहां पर 300-400% की ग्रोथ, 500% की ग्रोथ करने वाले लोग हैं, मैं 30% काउंट करके चलता हूं, बिकॉज मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं कि मैं रोज के 10 घंटा नहीं लेकिन मात्र रोज के 2-3 घंटे ही काम कर पाऊंगा, और कर रहा हूं ईमानदारी से। तो भी मैंने 10 साल तक काम किया है, अब मुझे आगे नहीं करना है, या तो मैं ब्रेक लेना चाहता हूं, ब्रेक लेने के बाद में मैं दोबारा शुरू करना चाहता हूं, यू कैन डू इट। 10 साल काम करने के बाद में मैं नहीं करना चाहता, आपकी मर्जी की बात है। मात्र मैंने 10 साल काम किया, सेकंड लास्ट वाली कॉलम देखेंगे तो मेरी टोटल इनकम हुई थी 53,12,000 रुपए, और महीने का मैं कमा रहा हूँ 4,42,000 रुपए। अब मैंने काम करना बंद कर दिया तो भी आप आखिरी वाली कॉलम देखिएगा कि 10 साल के बाद मैंने काम करना बंद कर दिया तब भी जो मेरी इनकम हो रही है, माय डियर फ्रेंड्स, मंथली इनकम, लास्ट वाली कॉलम आप देखेंगे
तो करीब करीब पौने 2 लाख रुपए मेरे को महीने का आ रहा है। इसे कहते हैं पैसिव इनकम, कि पिछले 10 साल जो मैंने काम किया उसका पैसा अगले 15, 20, 25 साल तक मेरे को लगातार आता रहेगा। यदि आप एक ऐसे काम की तलाश में है कि जिस काम में आपको जिंदगी भर सिर्फ पैसे कमाने के लिए ना देनी पड़े, नौजवान लड़के लड़कियों को बोलता हूँ कि यदि आप जिन जगहों को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जिन दुनिया की खूबसूरत जगहों को आप देखते हैं, यदि आप उन जगहों को विजिट भी करना चाहते हैं, तो आपको LIC ऑफ इंडिया में इंश्योरेंस एडवाइजर अवश्य 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 बनना ही चाहिए, क्योंकि ये आपको मौका देता है 45-50 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेकर के बाकी की जिंदगी अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। और एक वजह कि मुझे क्यों इस काम में आना चाहिए, उसकी और एक वजह मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, बी योर ओन बॉस। ये सबसे बड़ी वजह है। भाई मेरे को जल्दी जाना है, बॉस से पूछो, बीमार बीवी को हॉस्पिटल लेके जाना है, बॉस को फोन करके बताओ, बच्चे की पेरेंट टीचर में मीटिंग में जाना है, बॉस को बोलना पड़ेगा, अगले साल मेरी तनख्वाह कितनी बढ़ेगी वो साला बॉस तय करेगा। ये मेरे को कतई पसंद नहीं आया था। दूसरा, अपने बॉस को ये बोलूं नौकरी के अंदर कि बॉस आपकी जगह पर मेरे को आना है तो क्या करना पड़ेगा, तो बॉस को अच्छा नहीं लगता कि मैं प्रोग्रेसिव आदमी हूं, उसको तो बुरा लग जाता है और वो मेरी वाट लगाना शुरू कर देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते कि जिसे बॉस कहा जाता है, तो ये प्रोफेशन क्या देता है मालूम है? ये आपको अपना खुद का बॉस बनने का मौका देता है, कि आपको यहाँ पर कोई बॉस नहीं बनेगा। जो डेवलपमेंट ऑफिसर या रिक्रूटमेंट ऑफिसर है LIC के, वो कौन है मालूम है? यदि एक डेवलपमेंट ऑफिसर मुझे इंश्योरेंस एडवाइजर बना रहा है LIC का, तो वो LIC को डेवलप करने के बारे में बाद में सोचेगा, पहले मुझे डेवलप करने के बारे में सोचेगा, वो मेरा बॉस नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं कि जो आपका सच्चा दोस्त हो, सच्चा साथी हो, सच्चा शिक्षक बने, सच्चा मेंटोर बने, और ना कि आपको ऑर्डर दे, वो आपको प्रेरित करे। यदि आप जिंदगी में कुछ बड़ा सोच रहे हैं, तो बड़ा सोचने के लिए आपका हौसला बढ़ाए, उस बड़ी सोच को पूरा करने में आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करे, आपका सपना पूरा होने के बाद में आपके साथ भांगड़ा करे, और यदि उस बड़ा सपना पूरा करने के दौरान आप कहीं रुक जाते हैं, तो आपको मोटिवेट करे, आपको प्रेरित करे, आपको आगे बढ़ने की एक नई दिशा बताए कि भाई चलो तुमने यहाँ गलती की, आगे बढ़ो, ये गलती सुधार करके। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं, तो बिना देरी किए उस व्यक्ति का हाथ थाम लीजिए जिसने आज आपको इस प्रोग्राम में इन्वाइट किया है, क्योंकि वो डेवलपमेंट ऑफिसर या तो रिक्रूटमेंट ऑफिसर आपका सच्चा दोस्त बनेगा, सच्चा साथी बनेगा, आपकी बड़ी सोच को जागरूक करेगा, उस बड़ी सोच को सपोर्ट करेगा, आपके सपनों का पूरा करने में वो आपके साथ मदद करेगा, और कहीं रुकेंगे तो आपको आगे लेकर के जाएगा। यदि आप एक ऐसे सच्चे दोस्त, सच्चे साथी, सच्चे गुरु, सच्चे मेंटर, और जिसे कहते हैं सच्चे हितेच्छु की तलाश में है, तो आपकी तलाश आज खत्म होने वाली है LIC ऑफ इंडिया का एडवाइजर बन करके। जो डेवलपमेंट ऑफिसर आपको मिलेगा, वो ऐसा आदमी मिलने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, और एक वजह, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स के हिसाब से मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स जो मुझे मिलते हैं, कि मैं अपनी मर्जी की, मैं चाहूं उतने घंटे काम कर सकता हूँ, इसकी एक जो क्या बोलते हैं ना, गलत नाजायज फायदा आप ना उठाए, नाजायज फायदा उठाएंगे तो वो परिणाम नहीं मिलेंगे जो आपको चाहिए, इसके लिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कई बार देखा हुआ है कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का लोग एक डेफिनेशन निकालते हैं, वो ऐसा निकालते हैं कि मेरी मर्जी पड़ी तो मैं काम करूंगा, मर्जी पड़ी तो नहीं करूंगा। आप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज समझिएगा कि जिस काम के अंदर डिसिप्लिन ना हो, जिस काम के अंदर कंसिस्टेंसी ना हो, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इस काम को मुझे रोज 10 घंटा करना है, लेकिन मुझे रोज 2 घंटा तो करना ही करना है, चाहे मैं फुल टाइम कर रहा हूँ कि पार्ट टाइम कर रहा हूँ। अगर मैं नौकरी करता हूँ तो किसी और को अमीर बनाने के लिए मैं 10-10, 12-12 घंटा काम कर सकता हूँ, तो अपने परिवार को अमीर बनाने के लिए 2-3 घंटा एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकता क्या? लेकिन मैंने कई बार देखा हुआ है ये मध्यम वर्गीय, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मध्यम वर्गीय 2 प्रकार के होते हैं, एक आर्थिक रूप से और एक मानसिक रूप से। तो ये जो मानसिक रूप से मध्यम वर्गीय आदमी है ना, वो ये तो चाहता है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री 135 करोड़ जनता के लिए 20 घंटा काम करना चाहिए, लेकिन मैं अपने परिवार की आर्थिक समृद्धि के लिए 3 घंटा एक्स्ट्रा LIC में काम नहीं करता। और इसे मैं कहता हूं मानसिक रूप से मध्यम वर्गीय आदमी। कर्महीन जो होता है वो रोज काम करने के बारे में नहीं सोचता। तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का लोग जो नाजायज फायदा उठाते हैं, वो क्या करते हैं गलती, वो गलती ये करते हैं कि मर्जी पड़ी तो किया, नहीं मर्जी पड़ी तो नहीं किया। मर्जी पड़ने के हिसाब से काम करने पर जिंदगी नहीं बदलती, प्लीज अंडरस्टैंड। लेकिन इसमें इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं 9 बजे नौकरी जाता हूँ, तो मैं सुबह 7:30 से 8:30 किसी एक आदमी को मिलकर के इंश्योरेंस की बात कर लेता हूँ, और शाम को 6-7 बजे छूटने के बाद में 2-4 लोगों को और मिल लेता हूँ। मेरे समझ में बस इतना ही आता है, अगर मैं कर्मशील आदमी हूं तो, कि अगर मैं 8-10 घंटे की नौकरी कर सकता हूँ, साला उसकी गाड़ी के लिए, उसकी बीवी की 25,000 की साड़ी के लिए,
उसके बच्चों की एजुकेशन के लिए, उसके माँ बाप की जिंदगी के लिए, तो मैं अपने माँ बाप की जिंदगी, अपने बीवी बच्चों की जिंदगी बदलने के लिए 3 घंटा शाम को एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकता। अगर आपकी ये सोच है, वेलकम टू LIC, LIC ऑफ इंडिया में इंश्योरेंस एडवाइजर बनिए, ये प्रोफेशन आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक और बात कि क्यों मुझे इस काम को करना चाहिए, क्योंकि इस काम में मुझे रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट है इस काम के, लेकिन एक बेनिफिट जो मुझे बहुत आकर्षित करता है वो ये है, माय डियर फ्रेंड्स, 20-25 साल आप नौकरी करते फिर भी आपको कोई कंपनी ये लोन नहीं देती कि चलो तुम अपना घर बनाना चाहते हो हम तुमको लोन देते हैं, तुम गाड़ी खरीदना चाहते हो हम तुमको लोन देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, 20-25 साल की नौकरी के बाद भी ऐसा सुनने में नहीं आएगा, लेकिन द ग्रेटनेस ऑफ दिस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन LIC ऑफ इंडिया इज, आप इस कंपनी में मात्र 5 साल, ध्यान से सुनिए, मात्र 5 साल, वो भी फुल टाइम नहीं, जहां पर 20 साल 10 घंटा रोज नौकरी करते हैं वहां पर घर और गाड़ी और छोटे बड़े सपनों के लिए कुछ नहीं मिलता, यहां पर मात्र 5 साल और वो भी पार्ट टाइम, मैंने ईमानदारी से 2-3 घंटे और वो भी मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर के मार्गदर्शन में सही तरीके से मैंने काम कर लिया, 5 साल के बाद यहाँ पर आप चाहे मध्यम वर्ग के इंसान है, आपका एक छोटा सा सपना हो सकता है, एक छोटा सा घर खरीदने का, छोटी सी 4-5-10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने का, आपका कोई भी छोटा बड़ा सपना अधूरा नहीं रहेगा। ये कंपनी आपको घर खरीदने के लिए और गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन देती है। बैंक के पास जाओगे, आपका FD पड़ा होगा तो भी आपका सिविल रिकॉर्ड चेक किया जाता है, अगर आपका चेक बाउंस हुआ होगा, अगर आपके अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम से नहीं की होगी तो आपको बैंक वाले लोन नहीं देते। लेकिन आपने LIC में मात्र 5 साल लगातार काम किया, आपने अच्छा परफॉर्म करके दिखा दिया, ये कंपनी आपका सिविल रिकॉर्ड चेक नहीं करती और बैंक से भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बाइक खरीदने के लिए एंड ऑफिस बनाने के लिए यहाँ से आपको लोन मिलता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अभी जो है LIC ऑफ इंडिया अपने परफॉर्मिंग इंश्योरेंस एडवाइजर को लेकर के यूरोप की टूर में जाने वाली है, ऐसे तो हजारों रिवॉर्ड, अगर आप 1 साल के अंदर LIC के माध्यम से अपना जो इंसेंटिव जो आप बन रहा है प्रीमियम का वो 25-50 लाख रुपए कमा रहे हैं, इसके अलावा भी LIC आपको 5-7 लाख रुपए का तो रिवॉर्ड दे देती है। आपका जो भी, अगर मैं मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा हूँ और मेरा एक छोटा सा सपना है एक अपना घर अच्छा बनाने का और गाड़ी एक छोटी सी मेरे पास में हो, अगर ये सपना आप अगले मात्र 4 से 5 साल में पूरा करना चाहते हैं, वेलकम टू LIC, LIC ऑफ इंडिया आपके हर सपने को पूरा करने में आपकी मदद करने के लिए तैयार है। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि मुझे इस काम को क्यों करना चाहिए, कि यहाँ पर मेरी हर छोटी बड़े से बड़ी सफलता को ऑनर किया जाता है, रिकग्नाइज किया जाता है। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि किसी स्कूल में किसी शिक्षक को इस वजह से सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि उसके क्लास में बच्चे पढ़ लिख करके आगे इंजीनियर और डॉक्टर बने, किसी कंपनी में अकाउंटेंट को इस वजह से सम्मानित नहीं किया जाता कि आप पिछले 20 साल से हमारी कंपनी का करोड़ों रुपए का अकाउंट बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं, हम आपका सम्मान करते, कभी सम्मानित नहीं किया जाता। LIC ऑफ इंडिया में आपकी हर छोटी बड़ी सफलता को सम्मानित किया जाता है। आपने यूरोप की टूर के लिए क्वालिफाई किया तो आपको तो यूरोप लेकर के जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आपको यूरोप भेजने से पहले यहाँ पर आपकी बीवी को और आपको और आपके पूरे परिवार को सम्मानित किया जाता है, क्योंकि LIC ऑफ इंडिया एक भारतीय कंपनी होने के नाते ये बात समझती है कि एक व्यक्ति की सफलता में उसके परिवार का भी बहुत बड़ा त्याग होता है। तो यहाँ पर आपकी सफलता के लिए ना कि सिर्फ आपको सम्मानित किया जाता है, आपके परिवार को भी सम्मानित किया जाता है। दैट्स द नेम वी कॉल LIC ऑफ इंडिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सब होगा कैसे, क्यों मुझे करना चाहिए, वो तो मेरे को पता चल गया, तो कैसे होगा, तो मैं बन जाता हूं इंश्योरेंस एडवाइजर। मेरा रोल क्या है, मैं आगे इसके बारे में बता ही चुका हूं कि मेरा रोल ये है कि भारत जो एक मध्यम वर्गीय परिवारों के माध्यम से बना हुआ देश है, कि जहां पर लोग अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बनाना तो चाहते हैं लेकिन लोगों के पास में उसके लिए पैसे नहीं है, लोग अपने बच्चों की शानदार शादी तो करवाना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है, लोग चाहते हैं कि मेरे बुढ़ापे में अब मुझे अपने बच्चों के ऊपर बोझ नहीं बनना, लोग चाहते हैं कि मेरी नॉन पेंशनेबल जॉब है भविष्य में मुझे पेंशन मिलना चाहिए, लोग ये भी चाहते हैं कि अगर ईश्वर ना करे मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरे परिवार रोड पे नहीं आना चाहिए, ऐसी कोई मेरे फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना चाहता हूँ, आर्थिक व्यवस्था करना चाहता हूँ, तो LIC के पास में
दुनिया के सबसे बेहतरीन इंश्योरेंस के प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के बारे में मुझे लोगों के पास जाकर के मिलना है। अब ये काम करना कैसे है, तो उसके लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि ये कैसे होगा, क्योंकि एलआईसी मानती है कि अगर वो सपने दिखा करके आपको इस प्रोफेशन में ला रही है तो सपने पूरे तभी हो सकते हैं कि जब इस काम को अच्छे तरीके से सीखा जाए। तो बिना सिखाए आपको फील्ड में नहीं भेजा जाएगा। और इसके ट्रेनिंग मॉड्यूल मैंने देखे माय डियर फ्रेंड्स, वो तो ट्रेनिंग करते ही करते हैं, वो हमारे जैसे एक्सपर्ट लोगों की भी मदद लेते हैं आप लोगों को ट्रेन करने के लिए। तो इसके ट्रेनिंग मॉड्यूल इतने जबरदस्त रहते हैं, मैं हमेशा आस्ते आस्ते बोलता हूँ कि एलआईसी के ट्रेनिंग मॉड्यूल इतने जबरदस्त है कि उसमें अगर कौवे को डालो तो कौवा भी बगुला बनकर के बाहर निकलता है। एक ऐसा व्यक्ति की जिसको इंश्योरेंस का आई नहीं मालूम और सेल्स का एस नहीं मालूम, जिसके खानदान में किसी ने सेल्स में काम नहीं किया, लेकिन इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे है कि आपको एक बेहतरीन से बेहतरीन सेल्स प्रोफेशनल और इंश्योरेंस एडवाइजर बना सकते हैं। तो इस काम में सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपका हर सपना पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले प्रोफेशनल ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी, बाद में आपको काम पे लगाया जाएगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज माय डियर फ्रेंड्स कि इसका जो प्रोसेस है, इफ आई वांट टू बी एन इंश्योरेंस एडवाइजर विद एलआईसी, यदि मैं एलआईसी के साथ में इंश्योरेंस एडवाइजर बनना चाहता हूं तो मुझे बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है, अपने कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं, आपको अपने आधार कार्ड का कॉपी, पैन कार्ड का कॉपी, एक पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, एक कैंसिल किया हुआ चेक और अपनी 10वीं या तो 12वीं की मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी। इसमें दो ही कंडीशन है, आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और दूसरा आपकी पढ़ाई लिखाई कम से कम धीरूभाई अंबानी जितनी होनी चाहिए, क्योंकि धीरूभाई अंबानी 10वीं तक पढ़े लिखे थे। ये एक फॉर्मेलिटी हो गई। दूसरा माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक एग्जाम देना होगा जिसे कहा जाता है IRDA का एग्जाम। बहुत इजी है, क्लियर करना है इसको। ये एक घंटे का एग्जाम रहता है, ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, ABCD ऑप्शन कौन बनेगा करोड़पति में जैसे होता है ना, वैसे ABCD ऑप्शन रहते हैं। इसके लिए एक 70-80 पेज की एक छोटी सी पतली सी किताब आती है जो आपको पढ़ने के लिए दी जाएगी, उसकी तैयारी भी करवाई जाएगी। और अपने को कोई 50 में से 50 नहीं लाने हैं, 50 में से 18 मार्क आ जाएंगे, 18 मार्क, 18 साल की उम्र और 10वीं पास आदमी काफी है जिंदगी बदलने के लिए एलआईसी के साथ में। ये IRDA के माध्यम से एग्जाम लिया जाता है, ये कंपलसरी है। इस एग्जाम का फीस रहता है 800-900 रुपए का फीस रहता है, इंक्लूडिंग रीडिंग मटेरियल जो बुक है उसकी कॉस्ट मिला करके एग्जाम का जो फी रहता है वो आपको डेवलपमेंट ऑफिसर को पे करना पड़ेगा 800-900 रुपए का, जो मेरे हिसाब से बड़ी सोच वाले इंसान के लिए बड़ी छोटी सी रकम है। अगर सोच छोटी होगी तो रकम बड़ी लगेगी, लेकिन अगर बड़ी सोच है तो ये रकम बहुत छोटी सी लगने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, आप YouTube के ऊपर जाएंगे, सपनों की उड़ान बोल करके सर्च करिएगा तो आपको LIC के माध्यम से जिनकी जिंदगी बदली है ऐसे हजारों लोगों के वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि जो आपको बताएंगे कि भाई मेरी जिंदगी पहले क्या थी और आज LIC में इंश्योरेंस एजेंट बनने के बाद में, इंश्योरेंस एडवाइजर बनने के बाद में आज मेरी जिंदगी कैसी हो चुकी है। और मैं आपको एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जितनी भी कहानियां सुनेंगे आपको लगेगा कि यार ये तो मेरी ही कहानी है। मैंने अहमदाबाद के अंदर एक 75 साल के बुजुर्ग इंसान को देखा है कि जिसने 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने के बाद में LIC का एडवाइजर बने थे, वो इंश्योरेंस एडवाइजर बने थे, क्योंकि उनके बच्चों की भी उतनी इनकम नहीं थी और वो नहीं चाहते थे कि अपने बच्चों के ऊपर बोझ बने। 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद इंश्योरेंस एडवाइजर बने LIC के और आज 75 साल की उम्र में माय डियर फ्रेंड्स महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ऐसी हाउसवाइफ को देखा है कि जो अपने पति को सिर्फ मदद करने के लिए आर्थिक रूप से आई थी, लेकिन आज वो महीने का 3-3.5 लाख रुपया कमा रही है। मैंने ऐसे नौकरी करने वाला एक हार्दिक पटेल बोलकर के लड़का है जिसकी आज भी नौकरी चालू है और नौकरी के साथ सरकारी नौकरी है उसकी, 42,000 रुपए नौकरी में तनख्वाह है, लेकिन LIC से महीने का 2.5 लाख रुपया आता है। उसने अपनी बीवी के नाम से अपने LIC का इंश्योरेंस एडवाइजर का काम शुरू किया। आप अपने परिवार में किसी के भी नाम से कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर फ्रेंड्स, आज की बात को मैं खत्म करूं उससे पहले आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूं कि नॉट द इन्फॉर्मेशन बट द डिसीजन चेंजेस द लाइफ। माय डियर फ्रेंड्स, जानकारी ले लेने से जिंदगी नहीं बदलती। बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि जो जानकारी लेते रहते हैं, मैं ये भी जानूंगा, वो भी जानूंगा, वो भी वीडियो देखूंगा, वो भी वेबिनार अटेंड करूंगा, वो सेमिनार अटेंड करूंगा, और वो उन लोगों की दुनिया में शामिल हो जाते हैं कि जहां पर वो बताते हाँ यार ये तो मैं जानता हूँ, हाँ यार वो तो मैं जानता हूँ, हाँ यार फलानी चीज मैं जानता हूँ, लेकिन जानकारी से जिंदगी नहीं बदलती। बहुत जिंदगी बदलती है निर्णय करने से। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, मैं अहमदाबाद स्टेशन पे चला जाऊं और मेरे को मालूम है कि कौन सी गाड़ी कौन से नंबर के प्लेटफॉर्म के ऊपर से कितने बजे बंबई की तरफ जाएगी और कौन सी गाड़ी कितने बजे कौन से प्लेटफॉर्म से दिल्ली की तरफ जाएगी, ये जानकारी ले
लेने से मैं बंबई या दिल्ली नहीं पहुंचूंगा, मुझे किसी एक ट्रेन को पकड़ के उसमें बैठना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादातर लोगों की जिंदगी बर्बाद इस वजह से होती है क्योंकि वो निर्णय नहीं कर पाते। जानकारी तो उनके पास में बहुत सारी होती है। आज सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में लोगों के पास में जानकारी ना हो ये तो संभव ही नहीं है। तो यदि मैं आपसे छोटा हूं तो छोटा भाई होने के नाते और बड़ा हूं तो बड़ा भाई होने के नाते मैं आह्वान करना चाहता हूं, मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं कि कृपया वो गलती ना करें। आपने अपने पिताजी के मुंह से भी बहुत बार सुना होगा, मैंने भी इस चीज के बारे में जाना था, मुझे भी ऐसी नौकरी मिल रही थी लेकिन मैंने निर्णय नहीं किया। उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा जो अफसोस है वो निर्णय ना करने का अफसोस है। प्लीज अंडरस्टैंड कि जो लोग निर्णय नहीं करते उनको जिंदगी के अंत में अफसोस के अलावा और कुछ नहीं मिलता। आज भी आपने LIC में इंश्योरेंस एडवाइजर बनने के फायदे के बारे में, कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है, उन सारी चीजों के बारे में आपने जानकारी तो ले ही ली है। लेकिन यदि जानकारी लेने के बाद में, ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप डिसीजन नहीं लेते हैं तो ये जानकारी आपकी किसी काम में आने वाली नहीं है। यदि आप इस बात से सहमत है तो इमीडिएटली जुड़िए LIC ऑफ इंडिया के साथ में, बनिए LIC के इंश्योरेंस एडवाइजर और अपने और अपने परिवार की जिंदगी बदलिए। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, भारत माता की जय एंड जय हिंद।